और आइए भारत एट सेवन में अब बात करते हैं बिहार की एक खबर की। जी हाँ, हर साल मॉनसून में बिहार को बाढ़ का कहर झेलना पड़ता है। उत्तर बिहार में कोशी गंडक के कारण लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ता है, जबकि गंगा और सोन के कारण दक्षिण बिहार में भी लोग सालों से परेशान हैं। हालांकि बक्सर में गंगा नदी पर एक अनूठा प्रयोग हुआ है। आरा के एक युवक प्रशांत कुमार ने नदी पर तैरने वाला घर बनाया है, आइए देखते हैं। बिहार के बक्सर में बना फ्लोटिंग होम बाढ़ पीड़ितों के लिए सहारा बन सकता है। इसके साथ ही इसके माध्यम से पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि यह फ्लोटिंग होम पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है। बिहार में अब बाढ़ में घर छोड़कर पलायन करने का दुख लोगों को नहीं भुगतना पड़ेगा। आरा के रहने वाले प्रशांत कुमार ने एक अनूठा प्रयोग किया है। उन्होंने बक्सर में गंगा नदी में तैरने वाले घर का निर्माण किया है। ये घर बाढ़ के दिनों में नदी की लहरों पर आसानी से तैरता रहेगा। हालांकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट था, मगर फ्लोटिंग होम के कारण लोग बाढ़ के दिनों में आवास की एक बड़ी चिंता से मुक्त हो जाएंगे। प्रशांत ने बताया, बाढ़ के समय लोगों को पलायन करना पड़ता है। जब वो लौटकर वापस आते हैं तो उनके पास रहने के लिए छत तक नहीं रहती। ऐसे में कुछ ऐसा तैयार करने की सोची जिससे बाढ़ पीड़ितों के घर की समस्या का समाधान हो जाए। भारत के पहले क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्लोटिंग हाउस और बिहार का पहला फ्लोटिंग हाउस जो है वो अब एक साल की टेस्टिंग के बाद रेडी है और पानी पर अभी भी बाढ़ के समय को झेल रहा है। और बिहार में होती हुई त्रासदी को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई में एक रेजिलिएंट लाइवलीहुड जनरेट कर सकता है बिहार में, और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई में एक रेजिलिएंट लाइफस्टाइल जनरेट कर सकता है, लोगों के लिए एक रेजिलिएंट शेल्टर का काम कर सकता है। नदी पर तैरता ये घर बनाना काफी आसान है। 900 वर्ग फुट का घर बनाने में 6 लाख से कम की लागत में बनाया जा सकता है। इसके निर्माण में पर्यावरण को नहीं नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है। घर को बनाने में जिस ईंट का प्रयोग हुआ है वह गोबर मिट्टी, धान और उड़द की भूसी से बनाई गई है। इस ईंट का वजन 250 से 300 ग्राम है। फ्लोटिंग होम में शयन कक्ष, रसोई घर, स्नानागार एवं शौचालय की भी व्यवस्था है। इसमें ऐसी व्यवस्था है कि जो गंदा पानी अथवा जो कचरा यहाँ से निकले वह नदी में ना जाए। इससे नदी को भी प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। कम पैसे में तैयार इस घर का इस्तेमाल बाढ़ के अलावा पर्यटन के लिए भी किया जा सकता है। इससे लोगों को रोजगार और सुरक्षा दोनों दी जा सकती है। अब हमारी नेक्स्ट प्रयास होगी कि हम इस घर को आरा से, बक्सर से आरा आ चुका था और आरा से अब इसको पटना लेकर के आए और बिहार सरकार से डिमांड करें और आग्रह करें कि अब हमें मदद करें कि हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं और बिहार के अंदर एक ऐसा जलवायु परिवर्तन को लेकर एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें जो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए। इस फ्लोटिंग होम की मोटे तौर पर टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इसे आम लोगों के लिए उपलब्ध कराने से पहले थोड़े इंतजाम और किए जाने हैं। हालांकि इसके कारण बिहार के बाढ़ पीड़ितों की बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। प्रशांत बताते हैं कि विदेश में रहने वाले कुछ दोस्त भी उनकी इस प्रोजेक्ट में मदद कर रहे हैं। कम पैसे में बनने वाले इस घर में 5 से 6 लोगों के रहने का पूरा इंतजाम है। ऐसे में ये बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ा सहारा बन सकता है। डीडी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन कुमार जय के साथ मधुरेश नारायण।